नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीबी टीम के दिग्गज विराट कोहली के बारे में। क्या विराट कोहली को ओपन करना चाहिए, क्या वो ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे आने वाले मैचेस में, या फिर नंबर 3 पर ही खेलेंगे, इसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ। वहीं भाइयों, आपको क्या लगता है कि विराट कोहली खुद भी जो है कौन से नंबर पर ज़्यादा कम्फर्टेबल है, क्या उन्हें ओपनिंग करनी चाहिए या फिर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि अभी मैक्सवेल भी आ जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, विराट कोहली को कौन से पोजिशन पर खेलना चाहिए, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। क्या मैक्सवेल के आने के बाद विराट कोहली का पोजीशन चेंज होगा या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। तो सारी बातचीत हम डिटेल में आगे इस वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए अगर आप भी आरसीबी टीम के या विराट कोहली के फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। वहीं दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुँचती रहे। ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो याद से ज्वाइन कर लो। वहाँ भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगातार मिलती रहती है। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाइए वहाँ पर, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कल हुए केकेआर और पंजाब के मैच में मैंने फैंटेसी टीम जो है विंजो ऐप पर लगाई थी, जहां पर मैं ढेर सारे कैश जीत गया हूं। क्रिकेट नॉलेज का सही इस्तेमाल करके विंजो फैंटेसी पे पैसे जीतने हैं तो इस आईपीएल विंजो फैंटेसी पे बनाओ अपनी टीम और जीतो ढेर सारे लाखों कैश रिवॉर्ड्स। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, विंजो ऐप को डाउनलोड करो और फैंटेसी लीग पे जाकर बनाओ अपनी टीम। डर है टीम में चेंजेस का, कौन है इन कौन है आउट, लास्ट मिनट प्लेयर इंजरीज, ग्राउंड पिच कंडीशंस में चेंज, ऐसे 50 तरीके के टेंशंस का, तो विंजो फैंटेसी वॉर पे सपोर्ट करो हमारे एक्सपर्ट्स की टीम से और जीतो कैश रिवॉर्ड्स। इसमें जीतने के चांसेस भी 50% है। बिंदास एक्सपर्ट सिलेक्ट करो और मैच देखो बिना टेंशन के। आप एक्सपर्ट की टीम जीतती है तो आप भी जीतोगे। मैच के बाद अपनी विनिंग्स जो है विड्रॉ करो सीधा पेटीएम बैंक अकाउंट या फिर UPI से। डाउनलोड करो विंजो मेरे लिंक से और दोस्तों पाओ 50 RS का बोनस कैश। IPL 2022 में RCB टीम 2 मैचेस खेल चुकी है। पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन दूसरे मुकाबले में RCB टीम ने वापसी करते हुए इस मैच को जीत करके 2 अहम अंक हासिल कर लिए हैं। अब तीसरा मैच टीम को राजस्थान के खिलाफ खेलना है, ये खेला जाएगा 5 अप्रैल को। ऐसे में आने वाले मैच में विराट कोहली का पोजीशन क्या होने वाला है, मैक्सवेल के आने के बाद विराट कोहली कौन से नंबर पर हमें बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे, क्या वो ओपनिंग करेंगे या फिर नंबर 3 पर खेलेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल जो है आरसीबी टीम के पास 2 अच्छे ओपनर्स हैं, जिनके नाम है फैब डुप्लेसी और अनुज रावत। अगर बाई चांस अनुज रावत अच्छा नहीं कर पाते हैं ओपनिंग में, तो इनके पास ऑप्शंस के तौर पर प्रभु देसाई भी ओपनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फिन एलन तो है ही पहले से, ये सारे विकल्प भी मौजूद हैं ओपनर्स के। दोस्तों, आरसीबी टीम चाहे तो इन्हें भी खिला सकती है डुप्लेसिस के साथ में, लेकिन फैंस ये भी चाहते हैं, कुछ फैंस ये चाहते हैं कि विराट कोहली जो है अपने ओरिजिनल पोजिशन पर वापस आ जाए, यानी कि IPL में जैसा कि वो ओपनिंग करते रहे हैं ओपनिंग करते हुए दिखाई दे। अगर फैफ और विराट ओपनिंग करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें खेलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक बल्लेबाजी करेंगे, जिससे आरसीबी टीम स्कोर भी अच्छा बनाएगी, ओपनिंग की साझेदारी वहाँ पर काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन विराट कोहली ओपनिंग करने लग जाएंगे तो फिर नंबर 3 पर कौन बल्लेबाजी करेगा, ये भी आरसीबी टीम के लिए बड़ी समस्या है। इसलिए आरसीबी टीम ने इस बार जो है कोहली को एंकर की भूमिका दी है, उन्हें नंबर 3 पर ही बल्लेबाजी करने के लिए कहा है। अब मैक्सवेल के आने के बाद अच्छा ये हो जाएगा कि विराट नंबर 3 पर आ जाएंगे, मैक्सवेल 4 या 5 पर आ जाएंगे, जहाँ तक चांसेस 4 पर ही खेलेंगे, तो ये दोनों ही खिलाड़ी मिडल ऑर्डर को पूरी तरह से संभाल लेंगे, इनिंग्स को अच्छी तरह से पेस करेंगे और सिचुएशन के हिसाब से वहाँ पर तेज खेलेंगे या फिर स्लो खेलेंगे, ये सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड होगा, मैच के हाल पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए दोस्तों, विराट कोहली को नंबर 3 पर रखा गया है और 4 पर मैक्सवेल आ जाएंगे। तो चांस बहुत कम है कि विराट कोहली आने वाले मैचों में ओपनिंग करेंगे, क्योंकि उन्हें जो है रोल दे दिया गया है कि वो नंबर 3 पर ही साल पूरे सीजन में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। अब वो अलग बात है कि अगर ओपनर नहीं चलते हैं, कोई भी ओपनर आरसीबी टीम का नहीं चलता है, तो शायद से विराट कोहली ओपन करते हुए नजर आए, लेकिन फिलहाल तो चांस बहुत कम ही नजर आ रहा है, वो नंबर 3 पर ही हमें खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ये थी हमारी अपडेट विराट कोहली के नंबर को लेकर, उनके बैटिंग पोजीशन को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।